I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Babu Lohar ka ghar yahi hai kya? Are Babu Lohar ka ghar yahi hai kya? 2 hours se main aapka pata dhoond raha hu. Ek to mere dhande ka time hai. Are jaldi batao kaun hai aap aur mujhe yahan kis khushi mein gham mein bulaya bhai? बादशाह, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये क्या धंधा शुरू कर दिया भाई? बाबू लोहार, ये नया नाम कहां से जुड़ गया तुम्हारे साथ? मैं समझा नहीं कुछ। यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया बजरंगी। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मैं बादशाह बन के इसे कभी नहीं देख पाया। कैसे इन हाथों से लेकर मैं इस बच्चे को अपनी गोद में रखता जिन हाथों में पहले से ही हथियार भरे हुए थे? कैसे इस बच्चे को लेकर मैं अपने पैरों पे खड़ा होता जिन्हें पुलिस और कानून से भागने की आदत सी हो गई थी? बजरंगी, बादशाह की किस्मत में सुल्तान था, लेकिन मैं अपनी बदकिस्मती का साया इस बच्चे पर पड़ने नहीं दे सकता था। न मैं दूसरा सुल्तान बनना चाहता था, न दूसरे बादशाह को जन्म देना चाहता था, इसलिए बादशाह को हमेशा के लिए खत्म कर देना पड़ा मुझे। बादशाह मर चुका है बजरंगी। और सपना, सपना का क्या हुआ? सपना, बादशाह की जिंदगी का ख्वाब बादशाह के साथ ही टूट के चूर चूर हो गया। बाबू लोहार की जिंदगी में सिर्फ एक ही हकीकत है, ये बच्चा, मेरा राजू। मैंने अपने मुन्ने को एक अच्छा भविष्य देना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और इसके आने वाले कल के लिए मैंने अपने बीते हुए कल को दफन कर दिया। इतनी देर कैसे हो गई बजरंगी? खेल रहे, आजा, कम हो। स्कूल से यहाँ पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है और तुम्हें 2.5 घंटे हो गए। और तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर राजू सही वक्त पर घर नहीं पहुँचे तो मेरे सर पर बुरे ख्यालों का पहाड़ टूट पड़ता है। अरे भाई, ऐसे हुआ क्या था? तुमने तो अपनी परेशानी गिना दी, मगर जो मुसीबत मैं झेल कर आ रहा हूँ वो भी तो सुनो। क्या हुआ? अरे अपने देश की गवर्नमेंट ने न बर्थ कंट्रोल पे कुछ किया है, न ट्रैफिक कंट्रोल पे कुछ किया है। अरे रोड पे इतनी गाड़ियाँ, ट्रैफिक जाम, सिग्नल पे ऐसा लगता है अगले सिग्नल से माधुरी दीक्षित या डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भाग रही हो। ओपन जिप में ऐसे नाचते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऊपर से पीछे से 1700 राजनीतिक पार्टियां, वो जुलूस लेके निकल पड़ती है गरीबी हटाने के लिए। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे में ये गरीब तो हो जाए ना बर्बाद। झूठ, सब झूठ। बाबा, बजरंगी अंकल ने एक लड़की को बड़े प्यार से पुकारा और जैसे ही वो लड़की पलटी तो बजरंगी अंकल चिल्ला उठे, क्योंकि वो लड़की नहीं लड़का था जिसने लड़की के कपड़े पहने हुए थे। और पता है बाबा, मैं इतना हंसा कि हंसते से मेरी जान ही निकल गई। राजू, आइंदा से ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुझे मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे। बाबा, अच्छा एक बात बताओ। बोलो बेटे। मुझे आज माँ मिली थी। तुझे माँ मिली थी? हाँ। कौन माँ? कैसी माँ? तेरी कोई माँ वाँ नहीं है। मैं तेरा बाबा हूँ। हाँ? मैं तेरी माँ हूँ। मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। और ये कौन गुस्ताख है जो तुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं। हाँ? तू मेरा है। हाँ? मेरा बेटा है। हाँ? मेरा ही रहेगा। हाँ? तुझसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बाबा। हाँ? कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बाबा। कोई मुझसे छीन नहीं सकता तुझे। बाबा, बाबा छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा। हाँ राजू, हाँ बाबा, बाबा, हाँ हाँ बाबा।
मेरे बेटे को आप जैसे लोगों की मेहरबानियां नहीं चाहिए, ना कि आप जैसे बड़े लोगों की दया चाहिए उसे मेम साहब। हम गरीबों के पास एक ही चादर होती है जो आंख खुली रहने तक ओढ़ी जाती है, आंख बंद हो जाने के बाद उसी का कफन बना दिया जाता है। आइंदा से हम गरीबों की चादर को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं तो सिर्फ उसे प्यार दे रही हूँ। और कौन कहता है कि प्यार बांटने से आपके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा? बच्चे स्कूल में जिन्हें अमीरों के प्यार की सख्त जरूरत है, और अगर यहाँ ना मिल पाए तो किसी अनाथालय में जाकर अपने प्यार को मनमाने तरीके से बांटिएगा। मगर मेहरबानी करके मेरे बच्चे को भूल जाइएगा। बजरंगी, राजू किले के अंदर जाओ। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह। पिछले 7 सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया। खैर, एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है, लेकिन एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं भूलता। मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया हूं और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? देखो, नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है, नहीं मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा, पहले मेरी रुपए मुझे वापस कर दो। कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम? वहर फूले भंडारी, जरा ही अपने यहां पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास थे। नहीं, वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहां पे पड़े मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपया अपने कब्जे में किया था? नहीं, नहीं। हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है। तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया। बस, बस। इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। बादशाह, तू अपने आप को भुला सकता है, लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे। ये गुस्सा तूने मुझे नहीं, सुल्तान के मुंह पे मारा है बादशाह। अब या तो सुल्तान यहां कर इसका हिसाब लेगा या तुझे वहां जाकर इसका जवाब देना होगा। इसका फैसला मैं तुझ पे छोड़ूंगा। रुक जाओ। सुल्तान, मैं यहां सिर्फ यह समझाने आया हूं तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें। मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। इतने वर्षों के बाद आज तो मुझे मिला। खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा।
अपने रिश्ते के बारे में। किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान, किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया, हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने तेरे भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी। मुझे बाप का दर्जा देने की बजाय मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। बाप तो मैं बन चुका हूँ सुल्तान, एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम मुझसे समझ लो, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता, आखिरी फैसला कर चुका हूं, इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूं। दोबारा लौट के नहीं आऊंगा, मैं चाह रहा हूं सुल्तान। बादशाह, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया बेटे? यहां आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहां से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़कर खुद देख लो। अच्छा जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा कर देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे। ये हाथ सब तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। आपने मुझे बुलाया है, आओ बाबू। लो जितना तूफान घर के बाहर है उसे कहीं भयानक तूफान मेरे दिल के अंदर उठा हुआ है। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसकी मदद से यह तूफान हमेशा के लिए थम सकता है। साहब, मैं लोहार हूं, सीधी चोट करता हूं और सीधी बात समझता हूं। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हमसे हमारा बेटा बिछड़ गया था। आओ मेरे साथ। बाबू, यही वो कमरा है जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आंखें खोली थी। उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से संभाल कर रखी है। सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है कि हमारा बेटा जिंदा है, इसलिए हर साल वो उसका जन्मदिन मनाती है और उसके तोहफों को सहेज कर संभाल कर रखती है। लेकिन यह सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाबू, मैं उस बच्चे का बाप हूं और ममता उसकी मां। जानना नहीं चाहते कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा ये है।
तुम्हें हमारा बेटा कैसे मिला? आपका बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं? बनने की कोशिश मत करो, राजू हमारा बेटा है। मैं जानकर अनजान नहीं बन रहा साहब। आप जानबूझकर एक खुदगर्ज की तरह मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहते हैं। राजू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है राजू। बाबू, मैंने राजू की तस्वीर तुम्हारे घर पर देखी है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजू को देख ममता के अंदर ममता उमड़ पड़ती है, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो तुम ममता की लोरी हुआ करती थी, आज वही गीत बनकर राजू की जबान पर आ गई, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारा राजू हमारा खोया हुआ युवराज है, जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अव्वल तो मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी सांस है वो, मेरी धड़कन है वो, लेकिन वो मेरा खून है। खून? किस खून की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा जब एक साल का था तो 5 किलो का होगा, मेरा बच्चा 30 किलो का है, उसकी रगों में मेरा पसीना खून बन के दौड़ रहा है, उसके जिस्म में जो बरकत आई है वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है। मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है। अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है। ये लो, ये सारी दौलत ले लो और अपने लिए एक लोहे की फैक्ट्री खड़ी कर दो, और ये लो ये चेक, और इसमें ऐसी रकम लिख दो ताकि तुम्हारे 7 पुश्तों तक गरीबी की हिम्मत न हो कि तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सके। लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। बाप होकर बाप का सौदा करते हो। चलो, हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं। सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे, उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस दे दीजिए। अरे वो बच्चा तो दूर की बात है, वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वही हमें दे दीजिए, जिसके अंदर आपकी पत्नी की ममता कूट कूट के भरी हुई है। दे सकोगे आप? दे सकोगे? तुम्हें कहा था ना सुल्तान, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करना, मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। बेटा बादशाह, तुझे अपने इस बूढ़े बाप का, अपने अपने उस रिश्ते का वास्ता है जिसे तू तो भूल चुका है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सका। तू मुझसे दूर चला गया तुझे मेरे पास वापस लाने के लिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तू मेरा जुनून है बेटा, तू मेरा जुनून है, पर तेरी जिंदगी ये बच्चा है। जा बेटा, अपने इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला था। जा बाबा, बाबा, बाबा। राजू। बाबा, बाबा। राजू। बाबा, बाबा, छोड़ो मुझे। सुल्तान, इस पिल्ले की वजह से तूने मुझसे अपने बाप सुल्तान से बगावत की, इसकी तुझे सजा मिलेगी बादशाह। बाबा, बाबा। ऐसी सजा जिससे तेरी रूह कांप उठे,
ये मेरे शिकारी कुत्ते हैं जो तेरी मासूम से पिल्ले की बोटी बोटी नोच डालेंगे और तू कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान, हर गद्दार नमक हराम की सजा मौत है। हर इस बच्चे की मौत तेरे अंदर जागे इंसान की मौत है, यानी कि तेरी मौत है। जय सुल्तान। बाबा बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो उसे, नहीं छोड़ दो मेरे बच्चे को। Ah!
To watch more of Bollywood entertainment, subscribe to Shemaroo Me now.